सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लवली को अनिल चौधरी की जगह ये जिम्मेदारी दी गई। दरअसल कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। बता दें कि लवली 2013 तक दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे। इसके अलावा वो 2017 में बीजेपी में भी शामिल हुए थे, हालांकि कुछ ही महीनों में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के सियासी सफर के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। दरअसल अरविंदर सिंह लवली का जन्म पंजाब के लुधियाना में 11 दिसंबर 1968 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इस दौरान वो छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए। छात्र राजनीति के बाद उन्होंने 1987 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली प्रदेश की कई जिम्मेदारियां दी। लवली को 1998 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में मौका दिया। वो दिल्ली की गांधीनगर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये वक्त था जब लवली दिल्ली विधानसभा के सबसे युवा विधायक। इसके बाद लवली का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगा। वो इसी सीट से 2003 और 2008 में भी चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीत हासिल। 2003 में शीला दीक्षित सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। 2013 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन आपके प्रकाश जारवाल ने उन्हें हरा दिया। वहीं शीला दीक्षित सरकार में उन्हें पर्यटन मंत्रालय मिला। लवली ने इस दौरान कई पर्यटन कार्यक्रमों को शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में कुतुब महोत्सव, भक्ति महोत्सव, अनन्या महोत्सव, शरद उत्सव, उद्यान पर्यटन महोत्सव और मैंगो महोत्सव जैसे उत्सवों का आयोजन किया। पर्यटन के अलावा वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रहे। लवली ने ही दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों का कंप्यूटरीकरण किया। सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य दिल्ली बना। ये श्रेय भी लवली को ही जाता है। 2013 में मिली हार के बाद वो काफी वक्त तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन 2017 में MCD चुनाव के वक्त उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लवली के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हालांकि अरविंदर सिंह लवली बहुत दिनों तक भाजपा में नहीं रुके। वो करीब 10 महीने बाद ही फिर से कांग्रेस में वापस आ गए। वहीं विधानसभा के अलावा लवली ने लोकसभा चुनावों में भी हाथ आजमाया। कांग्रेस के टिकट पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतरे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद लवली दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में फिर गांधीनगर सीट से मैदान में उतरे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी जीते और लवली तीसरे नंबर पर रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंदर सिंह लवली की दिल्ली कांग्रेस में मजबूत पकड़। वो कई बार दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं और शीला दीक्षित सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले लवली को दिल्ली कांग्रेस का कप्तान बनाना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।